नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था अपने वीडियो के अंदर के यहाँ पर FIIs जो हैं वो 19,800 की पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, तो यानी कि उनका डाटा जो था पॉजिटिव था और पुट राइटिंग जो थी उन्होंने कर रखी थी वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। साथ में हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कशन की थी यहाँ पर कि इनसाइड कैंडल जो है बैंक निफ्टी के ऊपर बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप लोगों से बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप रिपीटेटिव वे में देख लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इनसाइड कैंडल जो है पिछली बार जब बनी थी तो यहाँ पर, तो इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इस वाली वीडियो के अंदर जाके आपको बहुत बार मतलब रिपीट तरीके से बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट एक ये कहता है, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एक कैंडल जो होती है बड़ी, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनती है और जैसे ही इस वाली कैंडल का जो हाई है जैसे ही टूटता है तो मार्केट अपसाइड रैली देता है, अदरवाइज़ वो अपसाइड रैली यहाँ पर नहीं देगा। तो दोस्तों, फटाफट से चेक कर लेते हैं कि आज क्या हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर और साथ में जो FIIs हैं उन्होंने क्या किया आज के दिन, वो भी हम डाटा पॉइंट के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते जो 19,800 की जो पुट राइटिंग थी उस वो प्रॉफिटेबल हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में आज मार्केट तकरीबन 10 बजे के आसपास सुबह सुबह यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है जो मार्केट का प्रीमियम जिस वक्त चल रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर 18-20 रुपये के आसपास जो है उन्होंने अपनी पुट राइटिंग की पोजिशंस क्लोज़ कर दी थी जब मार्केट गैप अप खुला था। तो यहाँ पर 20 रुपये के आसपास अपनी पोजीशंस को क्लोज़ किया गया, इन्होंने राइट किया था इस प्रीमियम को तकरीबन 80 रुपये के आसपास इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो गैप अप के अंदर ही इनको 60 पॉइंट का बेनिफिट हो चुका था, तो ये इन्होंने इनकी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज़ हो चुकी थी सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ही। और दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर इनकी पोजीशंस क्लोज़ हुई उसके बाद इन्होंने अपनी फ्यूचर्स की जो पोजीशन से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे जिसका जो एवरेज था मैंने आपको कल दिखाया भी था अपनी वीडियो के अंदर, तो जिनका इस इन पोजीशंस का जो एवरेज था दोस्तों वो था 19,670 के आसपास था, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने पुट राइटिंग को क्लोज़ किया तो 19,660 का आज क्लोजिंग हुई है। तो अब इनका जो पोजीशंस थी वो सारी की सारी यहाँ पर प्रॉफिट में आ गई, ठीक है, मतलब जो इनके लॉस चल रहे थे 100-125 पॉइंट का लॉस चल रहा था कल, वो आज ये प्रॉफिट में लेकर आ गई। प्रॉफिट में नहीं कहूँगा मैं इसको, कॉस्ट टू कॉस्ट कहूँगा। और साथ में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस हाफ कर दी, ठीक है, लॉन्ग पोजीशंस इन्होंने पूरी की पूरी 110,000 115,000 के आसपास जो कल पोजीशंस थी वो सारी की सारी इन्होंने आज क्लोज़ कर दी, तकरीबन 50,000 के आसपास 55,000 के आसपास पोजीशन क्लोज़ कर दी इन्होंने। तो ओवरऑल जो अब इनकी करंट पोजीशंस हैं वो क्या हैं वो आपके सामने हैं, 19,364 का इनका अब एवरेज है लॉन्ग साइड की पोजीशंस का और 19,650 जो है इनका पोजीशंस शॉर्ट साइड की का एवरेज है, ठीक है। लेकिन अभी ये लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ करें तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स को हम नेगेटिव ही मानेंगे, तो क्योंकि आज इन्होंने ना शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ नहीं करी नीचे आते हुए, तो केवल लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ किए हैं, तो डाटा पॉइंट्स फिलहाल तो नेगेटिव ही माने जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ FIIs की पोजीशंस का, तो यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ किए हैं और पुट राइटिंग भी क्लोज़ की है, जिसकी वजह से ये डाटा न्यूट्रल इस वक्त दिख रहा है क्लोजिंग के वक्त, लेकिन उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को बरकरार रखा और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ करी, तो दिस इज़ वाई डाटा इज़ लुक लाइक न्यूट्रल राइट नाउ। रिटेल का क्या हाल है, रिटेल जो है इस वक्त बुलिश बैठा है और कैंडल बड़ी ख़तरनाक बनी है, वो हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल डाटा पॉइंट के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है। आप देख सकते हो इनका जो स्पॉट फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर्स है, वो भी केवल 1,00,000 लॉन्ग बचा है, ठीक है। तो अब वैसे भी आज क्या था, आज क्या था, एक्सपायरी था मंथली वाला, तो इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स की क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी थी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर क्लोज़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इसलिए यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इम्पॉर्टेंट ये है हमको देखना कि कल से क्या नया सीरीज अब शुरू होगी कल से, तो अब देख तो हम ये देखेंगे कल से कि यहाँ पर क्या डाटा बनना शुरू होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं न्यूट्रल
मानूंगा अभी डाटा को, क्योंकि अभी नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं, केवल पुरानी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, मेरी बात समझें। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कल का दिन कैसा निकलेगा। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रेडिक्शन जो है ना वो ख़तरनाक तरीके से बेरिश हो चुका है, क्योंकि इसने एनगल्फ कर लिया है। ये एनगल्फ कैंडल होती है दोस्तों, ये टॉप के आसपास बनती है, तो ये ख़तरनाक तरीके से मतलब रिवर्सल कैंडल भी मानी जाती है। लेकिन आपको मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारा रिवर्सल जो लेवल है वो है 19,615। मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाए, ठीक है, तभी हम यहाँ पर रिवर्सल मानेंगे। तो अभी भी मार्केट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, करने दीजिए, पिछले एक हफ्ते से कर रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, एक बॉक्स सा बना लिया है, पिछले एक हफ्ते से कर रहा है। लेकिन हमारा जो लेवल है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस अगर इसके नीचे कल क्लोज मिलता है देन डेफिनेटली मार्केट विल लुक लाइक रिवर्सल, ठीक है। तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, जब होगा, जबकि जब देखेंगे। लेकिन ये कैंडल जो है वो ख़तरनाक तरीके से बेरिश कैंडल है। अब ये सच में बेरिश एक्टिव होगी या फिर नहीं होगी, सच में बेरिश तरीके से इसको समझा जाएगा कि भाई ये सच में मार्केट को रिवर्स करेगी कि नहीं करेगी, वो तब पता लगेगा जब हमारे लेवल को वो ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहानी है, आज एक्सपायरी वाली कैंडल भी है ये, तो एक्सपायरी वाली कैंडल को भी हम वेटेज कम देते हैं वैसे, लेकिन कैंडल तो कैंडल है। बात करते हैं फटाफट से, प्रेडिक्शन तो नेगेटिव है दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पे। अब जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, हमारा लेवल इम्पॉर्टेंट है जो कि है 19,615। याद रखिएगा इस लेवल को, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइव मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा आपको, इस लो को जब इस लो से मिलाओगे तो आपको ये सारे लो मिलते हुए नजर आएंगे। आज यही लो के आसपास ही सपोर्ट लिया मार्केट ने, और ये एक तरीके से एक ट्राइंगल पैटर्न है, ठीक है। अभी ट्राइंगल पैटर्न क्या करेगा, एक दो दिन हो सकता है यहाँ पर टाइम पास करे, ठीक है, एक दो दिन यहाँ पर हो सकता है टाइम पास करे इसके अंदर अंदर। लेकिन जिस भी तरफ का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा ना, तो ये ज़बरदस्त तरीके से मतलब मूवमेंट देगा अपकमिंग मंथ के अंदर, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये ट्राइंगल जो पैटर्न है मैंने अभी आपके सामने जो ड्रॉ किया है, ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है, और आप भी इसको ड्रॉ करके रखिएगा। तो फ्रेश लॉन्ग अब कब करने होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस वाले लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा या ब्रेकआउट देगा तभी फ्रेश लॉन्ग करिएगा, क्योंकि ये कैंडल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये ओवरऑल एक बेरिश कैंडल ही मानी जाती है, ठीक है। तो फ्रेश लॉन्ग तभी करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ ब्रेक आउट ना करे और ब्रेक डाउन कर दे। अगर ब्रेक डाउन करती है तो हम 19,400 तक भी आ सकते हैं, लेकिन वो तब के तब देखेंगे जब ब्रेक डाउन करेगी। लेकिन मेरी उम्मीद क्या है कि एक दो दिन यहाँ पर जो है मार्केट ना आपका यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर टाइम स्पेंड करे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको दिख भी जाएगा भाई डाटा पॉइंट्स क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे, क्लियर हो गई बात। तो वैसे भी नए मंथ के जो डाटा पॉइंट है ना वो बनने शुरू होंगे कल से, तो दिखना शुरू हो जाएगा। कैंडल जो है ब्रेक डाउन करेगी या ब्रेकआउट करेगी वो डाटा पॉइंट बता ही देंगे, क्लियर। और साथ में बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, बैंक निफ्टी ने यहाँ देखो, ये बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने भी आज वही कैंडल बनाया, कौन सा इनगल्फ कैंडल। और इस कैंडल ने ना ये देखो खतरनाक तरीके से इनगल्फिंग कैंडल है, ये देखो इसने एक दो तीन चार पाँच, पाँच दिन, लास्ट पाँच दिन को ख़त्म कर दिया है एक कैंडल ने। ऐसी कैंडल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको लॉन्ग के बारे में तभी सोचना है जब इंट्राडे में कुछ मिले अपमूव तो ठीक, नहीं तो लॉन्ग के बारे में तभी सोचना है अब जब मार्केट इसके हाई के ऊपर चला जाए, जो कि है 46,300। वैसे भी 46,300 का ही हमारा कल का टारगेट दिया था हम लोगों ने, इस वाली इनसाइड कैंडल का जो टारगेट था वो 46,300 ही था, तो वो आज अचीव हुआ। टारगेट तो अचीव हो गए दोस्तों, लेकिन अचीव होने के बाद गैप अप के अंदर टारगेट तो अचीव हो गए थे। निफ्टी में भी हमने बताया था कि भाई 18,900 तक का ही मार्केट है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो निफ्टी के अंदर भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट गया, कहाँ तक गया यहाँ पर देख सकते हो, 870 तक गया, गैप अप खुला गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी गई बड़े प्लेयर के द्वारा, तो ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एंगल्फ कैंडल बनी, खतरनाक इंगल्फिंग कैंडल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी टॉप के आसपास बनी है। तो अब थोड़ा सा खतरा रहेगा अगले 1 या 2 दिन मार्केट के अंदर, लेकिन सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये लाइन बना रखी है, ठीक है। ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 45,500 की ही लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू होती है अगर, इसको छोड़ के आप ये 20 दिन का मूविंग एवरेज लगा लीजिए जो कि 45,300 के आसपास है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलनी शुरू होती है तो देन वी कैन गो डाउन, ठीक है। तो अब 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो इम्पोर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी है आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज 19,550 के आसपास, क्लियर हो गई बात। तो भैया अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट या नहीं लेगा, मार्केट बताएगा। सेल ऑफ आज अच्छा हुआ है, FIIs ने आज 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, तो ओवरऑल लुक्स लाइक बेरिश। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि यहाँ पर 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है, अगर इसको ब्रेक करती है देन वी आर गोइंग डाउन, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेगेटिव कैंडल है, डाटा नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन हमको ये भी चीज़ देखनी होगी कि क्या मार्केट फर्दर डाउनसाइड मूव दिखाता है या नहीं दिखाता है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें। और वैसे भी कल से नया डाटा बनना शुरू होगा, तो कल से फिर हम दोबारा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, आगे क्या व्यू बनाता है बड़ा प्लेयर, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल आज तो केवल पोजीशन ही क्लोज की हैं बड़े प्लेयर ने, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल नई सीरीज़ के नए डाटा के साथ, अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।